प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर सबसे अधिक संक्रमित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस्पात उद्योगों ने विभिन्न राज्यों में 1,33,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। एक मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका दिया जाएगा। इसके लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर निबंधन शुरू हो जाएगा। पूर्णिया में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बाद जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति को लेकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सहरसा जिले में जिला पदाधिकारी ने ऑक्सीजन गैस आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिकों के साथ बैठक की है। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के दोकली गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत। पिता मौत के बाद सदमे में बेटे ने की आत्महत्या। मौके पर पहुंचकर पुलिस कर रही है छानबीन। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अप्रैल और मई महीने में अलग अलग तारीखों को समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के लाला छपरा बाजार में अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी के दुकान में डकैती कर लाखों रुपए के कैश के साथ भारी मात्रा में सोना और चांदी लूट लिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज के कार्यों की सराहना की। कोविड नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार ने तेज की कार्रवाई। जिलों में भी प्रशासन की सक्रियता बढ़ी। जस्टिस एनवी रमना उच्चतम न्यायालय के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। और पटना में एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।